welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the chapter 9, which is soil. So students, in the previous classes we studied about soil and about soil profiles, or we can say the layers of soil. Today we are going to start with the topic soil particles. So soil comprises of soil particles of various sizes. The particles that makes up soil are categorized in three groups by size, which is sand, silt and clay. So soil बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, बहुत सारे particles उनमें मौजूद रहते हैं, सिर्फ वो बहुत सारे particles से वो बने हुए होते हैं, सिर्फ एक या एक component या फिर एक particle उनमें नहीं होता है, वो बहुत सारे components में बने हुए होते हैं, बहुत सारे particles में बने हुए होते हैं और जिनके various अलग अलग sizes भी होते हैं. तो कुछ कुछ particles जो help करते हैं soil को बनाने में, वो तीन group में categorized किए गए हैं और उनके साइज़ के मुताबिक. तो वो तीन पार्टिकल्स क्या हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. और उनका साइज़ कितना है, द फर्स्ट वन इज़ माइक्रोमीटर, 2 to 0.02 माइक्रोमीटर. सिल्ट 0.02 to 0.002 माइक्रोमीटर. क्ले ग्रेटर देन 0.002 माइक्रोमीटर. ऑलराइट, सो सैंड इज़ ग्रेटर देन सिल्ट एंड सिल्ट इज़ ग्रेटर देन क्ले. So here you can see the picture. So यहाँ पर आपको examples दिखेंगे कि कौन सा particle कैसा है, जैसे कि sand कैसा है, उनके particles के size कुछ बहुत ही बड़े हैं as compared to silt और clay से. Silt के medium size के हैं और उनका size यहाँ पर mention किया गया है. Clay का बहुत ही close particle है, बहुत ही वो fine particles होते हैं, बहुत ही close उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, फाइन होते हैं और उनका साइज बहुत बहुत ही ज़्यादा कम होता है. नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ एक्टिविटी टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स, सिर्फ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स इन सॉइल. तो अब तक हमने पढ़ा कि यस, ये पार्टिकल्स सॉइल में मौजूद होते हैं. तो हम एक एक्टिविटी करेंगे ताकि हम उसको प्रूफ कर सकें कि सॉइल्स में कौन कौन से तरह के साइजेस के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं. फॉर दिस यू हैव टू टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट. नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर एंड देन एड अ हैंडफुल सॉइल टू इट. तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा मिट्टी लेना है और मिट्टी को अच्छी तरह से पाउडर बना देना है, क्रश कर देना है आपके अपने हाथों से. उसके बाद एक ग्लास टम्बलर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, आपको ग्लास टम्बलर लेके ग्लास टम्बलर का 3/4 पानी से आपको फिल कर देना है और उसमें अपने वो जो आपने सॉइल लिया था उसको उसमें डाल देना है. आफ्टर दैट यू हैव टू स्टियर इट वेल एंड स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व इट. सो उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से स्टियर करके मिक्स करके उसको सॉइल को डिजॉल्व कर देना है वाटर में और कुछ देर तक उसको अनडिस्टर्ब वहीं पे छोड़ देना है. उसके बाद कुछ समय बाद आपको, आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसे लेयर्स दिखेंगे पार्टिकल्स के, कुछ कुछ ऐसे लेयर्स दिखेंगे और उनके साइजेस भी जो अलग अलग होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द ह्यूमस, आफ्टर दैट यू कैन सी द क्लीन वाटर, आफ्टर दैट यू कैन सी क्ले, देन आफ्टर यू कैन सी सैंड एंड आफ्टर दैट यू कैन सी ग्रेवल्स. तो आपको इतने सारे लेयर्स वहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे और वो जिनका साइज भी अलग अलग होगा. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट इज क्ले, सिल्ट एंड सैंड. तो यहाँ पे हो सकता है सैंड ज़्यादा हो, सिल्ट थोड़ा कम हो, क्ले थोड़ा उससे ज़्यादा हो. यहाँ पे हो सकता है तीनों का जो जिनों का जो कंपोनेंट है वो सेम साइजेस के हो, मतलब सेम अमाउंट के हो. या सी में हो सकता है वो क्ले थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का हो, सिल्ट थोड़ा कम हो और सैंड उससे थोड़ा ज़्यादा हो. तो सॉइल में ऐसे वेरिएशंस आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे हर एक अलग अलग सॉइल में. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ सॉइल एज वेल एज,
तो अब तक हमने पढ़ा था कुछ पार्टिकल्स मौजूद है सॉयल में, बहुत सारे लेयर्स होते हैं सॉयल के। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉयल, कि सॉयल कितने प्रकार के होते हैं। इंस्टेड मोस्ट सॉयल आर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, सैंड, सिल्ट एंड क्ले ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। सॉयल इज क्लासिफाइड एज सैंडी सॉयल, क्लेई सॉयल एंड लोमी सॉयल। तो अब तक आपने यही पढ़ा कि जो सॉयल होते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन होते हैं, तीन पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से वो बनते हैं, जिनको ग्रुप में किया गया था। द फर्स्ट वन इज सैंड, सिल्ट और क्ले। तो इन तीनों को एक साथ मिला के बनते हैं सॉयल, लेकिन इनके अमाउंट में कभी कभार ऊपर नीच हो जाती है प्रोपोर्शन, जो पार्टिकल्स के जो प्रोपोर्शन या और यू कैन से अमाउंट, उनके जो वेरियस साइजेस होते हैं कभी थोड़ा ज़्यादा होता है या फिर कभी सैंड ज़्यादा होता है, कभी सिल्ट ज़्यादा होता है, कभी क्ले ज़्यादा होता है, जैसे कि हमने देखा था पिछले वाले एक्टिविटी में। तो उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से सॉयल को क्लासिफाई किया गया है तीन ग्रुप में। द फर्स्ट ग्रुप इज सैंडी सॉयल एंड द सेकेंड ग्रुप इज क्लेई सॉयल एंड द थर्ड ग्रुप इज लोमी सॉयल। सो सैंडी सॉयल का मतलब क्या है? द सॉयल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स, that is sand, it is called sandy soil. Clay soil, if the proportion of fine particles is relatively higher, then it is called clay soil. Loamy soil, if the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy soil. तो sandy soil किसको बोला जाता है, कब बोला जाता है, कौन सा soil को sandy soil? जब वो soil में biggest big particles जो है, यानी कि sand जो है, उसका मात्रा ज़्यादा होगा, उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं सैंडी सॉयल। तो ये सैंडी सॉयल जनरली हमको डेजर्ट एरियाज़ में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सैंड का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम लोगों को सैंडी सॉयल मिल सकता है। क्लेई सॉयल क्या होता है? तो जहाँ पे कुछ फाइन पार्टिकल्स जो हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे, उनकी मात्रा जो है वो, उनका जो अमाउंट है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा होगा, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं एज अ क्लेई सॉयल। और लोमी सॉयल में लार्ज और फाइन पार्टिकल्स लगभग सेम होते हैं, उनका प्रोपोर्शन जो होता है, अमाउंट जो होता है वो सेम होता है, और उसी सॉयल को बोलते हैं लोमी सॉयल। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सैंडी सॉयल इन विच द प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड इज generally greater than silt and clay. In loamy soil, the proportion of the clay, silt and sand almost same. In clayey soil, the proportion of clay is very high rather than silt and sand. Alright, I hope you all understood this. Now, in detail, what is a sandy soil? So, sandy soil mainly contains sand particles. Sand particles are quite large, they cannot fit closely together, so there are large spaces between them. So sandy soil mein zyadatar sand particles wahan pe maujood rehte hain, aur sand particles jo hain wo bahut hi bade bade hote hain, to wo ek sath fit nahi karte hain, wo cannot fit, wo closely ek sath fit nahi karte hain, to isliye unme jo space hota hai wo बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने एक पिक्चर देखा था जो सैंडी सॉयल में, जहाँ पे सैंड ज़्यादा है, सैंडी सॉयल, लोमी सॉयल, क्लेई सॉयल में जो पिक्चर देखा, तो इसीलिए उनमें, उनके बीचों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, सैंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, तो इसीलिए उनके बीच में ऐसे स्पेसेस आ जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ ईजिली फिट नहीं कर सकते हैं। सो दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद एयर, द सैंडी सॉयल इज़ वेल एरेटेड. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles, so they cannot hold much moisture. Thus, it is not good for plants. Sandy soils lack much nutrients as it has low nutrient holding capacity. तो जबकि उनमें ज़्यादा spaces है, उनके बीच में ज़्यादा spaces है, और जहाँ पर क्या fill किया हुआ रहता है, क्या fill हुआ रहता है, air fill हुआ रहता है, तो इसीलिए उसको सैंडी सॉयल को हम लोग वेल एरेटेड बोल सकते हैं। उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होने के वजह से जो वो वाटर ज़्यादातर होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो और उनमें ज़्यादा मॉइस्चर भी वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, वाटर जल्दी वहाँ से बह जाता है, तो इसीलिए वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है,
और इसी वजह से उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की बहुत कमी होती है और उनमें बहुत ही न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी जो है उनमें बहुत ही लो होती है. सो यू कैन सी द सैंड स्पेसेस बिटवीन देम. सो हियर यू कैन सी द सैंडी सॉयल. दिस ऑलमोस्ट फाउंड इन सम डेजर्ट एरियाज. Now we are going to study about clay soil. Clay particles are much smaller than sand particles. They are packed tightly together, leaving little space for air. Clay soils are not well aerated, poor aeration. But unlike sandy soil, water can be held in tiny gaps between the particles of clay. Thus they are heavy as they hold more water than the sandy soils. Water drains slowly through clayey soil. Clayey soil is very sticky and can be used to make pots, bricks, toys, statues, etc. तो जो clay particles है वो बहुत ही छोटे होते हैं sand particles से और वो एक साथ tightly packed किए हुए रहते हैं जैसे कि हमने picture में देखा था. उनके बीच में space बहुत ही कम होता है हवा के लिए. तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्ले सॉयल्स जो होते हैं वो वेल एरेटेड नहीं है, वो पुअर एरेटेड है. और सैंडी सॉयल के जैसे उनमें जो वाटर है उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो वाटर अच्छी तरीके से होल्ड कर सकते हैं, उनमें से वाटर बहुत ही कम ही बह पाता है. तो क्लेई सॉयल जो होता है वो बहुत ही स्टिकी होता है, इसके वजह से हम लोग उसको बहुत सारे मिट्टी के सामान बनाने में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉट्स में यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं, टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टैचूज़ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ क्लेई सॉयल एंड वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम एंड यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द क्लेई सॉयल. एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सम मटेरियल्स व्हिच इज़ मेड अप ऑफ क्लेई सॉयल. Like pots, statues, and some toys. The third soil, which is known as loamy soil. So the best top soil for growing plants is loamy soil, or you can say loam. Loamy soil is a mixture of sand, clay, and silt. The loamy soil also has humus in it, which provides fertility to soil. It has the right water holding capacity for the growth of plants due to presence of fine particles. It is also well aerated due to presence of larger particles. तो जो best top soil हमने पढ़ा था plants grow करने के लिए जो best top soil होता है उसी को loamy soil बोल सकते हैं हम लोग, उसी को loamy soil कहा जाता है. तो loamy soil एक mixture है जहाँ पे sand भी होता है, क्ले भी होता है और सिल्ट भी होता है इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी इक्वल अमाउंट में वो प्रेजेंट होता है. लोमी सॉयल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है जो कि सॉयल का जो फर्टिलिटी है उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करता है और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी एकदम सही होता है जो कि प्लांट्स को, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनमें जो फाइन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसके वजह से, और वो वेल एरेटेड होते हैं उनमें लार्जर पार्टिकल्स के मौजूदगी के वजह से. तो उनमें जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनमें से उनके अंदर जो एयर है वो मौजूद होते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं वो वेल एरेटेड है. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट द नोट्स इन योर फेयर कॉपी एंड लर्न द नोट्स एंड रीड द चैप्टर केयरफुली. इफ़ यू ऑल हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी, आई एम गोइंग टू क्लियर योर ऑल डाउट्स. सो स्टूडेंट्स the remaining part of this chapter we will do in the next class. Thank you, students.